तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपका इनिशियल ऑब्जर्वेशन आना चाहिए कि ये लगे कैसे, इसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला तो है नहीं, लेकिन अब ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे जाता है, फिर बाद में आगे क्वेश्चन प्रोसीड करेगा तो हम लोग टैकल करेंगे कि आगे वो कैसे हम किस रास्ते से इसको ले जाएं। खैर, तो ऊपर देखिए आपका एक्स की पावर 1 है, और एक्स की पावर 1 किसका डेरिवेटिव हो सकता है? एक्स की पावर 2 का, 1 हायर पावर का डेरिवेटिव हो सकता है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब ये एक्स जो है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है, तो कहीं ना कहीं हमें एक्स स्क्वायर के फॉर्म में यहाँ एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो दैट इज़ योर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, फॉर सब्स्टिट्यूशन। और यही समस्या होती है कि आपको ऑब्जर्व करना होता है कि क्या चीज़ सब्स्टिट्यूट करी जाए। तो 1 प्लस यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 बाहर रहेगा, ठीक है। अब क्या करें, इस 2 को भी अगर अंदर कराना है तो क्या किया जाए, √2 का स्क्वायर लिख लिया जाए, √2 का स्क्वायर। तो ये पूरा हो गया √2 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। अब देखिए इसका डेरिवेटिव यहाँ कहीं ना कहीं मौजूद है, वेरिएबल का तो फॉर्म मौजूद है, और कांस्टेंट अगर एक्स्ट्रा होता है तो वो दैट कैन बी मैनेजेबल, उसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, लेट √2 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो √2, अब इसका एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा, dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, dt हो जाएगा, तो ये 2√2 हो गया, है ना। तो इसको 2√2 लिख देते हैं, दैट इज 2√2x। अब हमने कहा कि कांस्टेंट मैनेजेबल है, तो कांस्टेंट को हम उधर ले जाते हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा 2√2 यहाँ ले आते हैं, है ना, ट्रांसफ़र कर दिया। तो x dx को, जो आपके पास x dx है, इसको क्या लिख देंगे हम लोग, dt बाई 2√2, और जहाँ पे √2x² है वहाँ पे क्या लिख देंगे हम, t लिख देंगे। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, वेरिएबल t के फॉर्म में 3, और ये हो जाएगा dt अपॉन 2√2, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 प्लस t². तो सारे कांस्टेंट को बाहर करिए आप, सारे कांस्टेंट को बाहर करेंगे तो 3 बाहर आएगा, है ना, यहाँ से 3 हटा दिया, से 1 बच गया, यहाँ पे 2√2 बाहर आएगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2√2 हो गया आपका, ठीक है, ये भी बाहर आ गया। अब देखिए जो फॉर्म बचा ये क्या है, ये है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप का, और 1 अपॉन क्वाड्रेटिक जो है उस क्वाड्रेटिक में भी आपका स्पेशल है x² + a², है ना, ये +1 1+ लिखिए, चाहे +1 लिखिए कोई फर्क पड़ता नहीं है, चलिए +1 लिख दे रहे हैं, x² + a², मतलब t² + a² है, तो ये tan इनवर्स x/a होता है, a आपका क्या है, 1 है यहाँ पे, तो आप प्लेस कर दोगे, इट बिकम 1/√2 tan इनवर्स t/a, a 1 है इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं, और आपका इनडेफिनिट कांस्टेंट c हो गया। लेकिन हम t के टर्म में आंसर छोड़ नहीं सकते हैं, बिकॉज t हमारा डमी वेरिएबल है, तो t हमारा क्या रखना पड़ेगा, √2x², तो ये हो जाएगा आपका 3/√2 tan इनवर्स √2x² +c, ठीक है। अब आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसकी आपको डोमेन बतानी है और रेंज बतानी है कि इसकी रेंज और डोमेन क्या हो सकती है। अगर आपको आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।